तो हेलो गाइस, तौहीद मुस्तफ़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग है कि नवादा का न्यू रेलवे स्टेशन का काम कहां तक हुआ है या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। और दुर्गा पूजा की वजह से और छठ पूजा की वजह से काम नहीं हो रहा था। देखिए उधर ट्रेन जा रहा है, ये पहला ट्रेन है नवादा का, नहीं सॉरी ये दूसरा ट्रेन है नवादा का, ये जो कि पहला ट्रेन 8 बजे आता है। तो अभी मैं न्यू रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ जो बन रहा है नवादा का न्यू रेलवे स्टेशन। तो देखता हूँ यहाँ अभी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि छठ पूजा दुर्गा पूजा की वजह से लोग आए कि नहीं आए हैं। तो देखता हूँ आदमी अगर दिखता है तो मैं पूछता हूँ उनसे, ऐसे तो आदमी दिखे हैं तो पूछता हूँ। तो चाचा काम हो रहा, चाचा ये रेलवे देखिए चाचा है, देखिए इधर चाचा, तो रेलवे स्टेशन का काम हो रहा है। तो दुर्गा पूजा छठ पूजा की वजह से छुट्टी हो गया था ना, तो कब आए हैं लोग? अब बंगाल से आए हो क्या? वो तो हिंदी में आप थोड़ा लड़खड़ा रहे हो, है ना, बोलने में सुनता हूँ मैं। तो बहुत सारे लोग दिख नहीं रहे चाचा, खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए ना, दिन है ना तो नाश्ता। अच्छा ये सब वगैरह तो आदमी ऊपर में है ना, ये कंप्लीट कब तक हो जाएगा चाचा? दो साल लगेगा, मतलब अभी 21 है तो 23 में मिनिमम हो जाएगा कंप्लीट, है ना, बनकर। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ तक अभी काम हुआ है, अभी ऊपर का ढलाई नहीं हुआ ना, ये अभी ढलाई नहीं हुआ है ऊपर, ये सब में ये अच्छा मीनार वगैरह बनेगा क्या यहाँ पे, ये गुम्बद जो बनता है ना। तो ये देखिए अभी यहाँ पे ढलाई नहीं हुआ है और थोड़ा सा वहाँ पे ढलाई हो गया है। तो अभी काम हो रहा है छठ पूजा दुर्गा पूजा की वजह से लोग नहीं थे यहाँ पर, आ चुके हैं, है ना चाचा, आ चुके हैं ना लोग। तो काम तो नहीं हो रहा था, इधर आया था तो काम। अच्छा तो ज़्यादा यहाँ बंगाल के लोग हैं यहाँ ना। अच्छा तो अभी काम हो रहा है दोस्तों यहाँ, मैं सोचा कि दुर्गा पूजा और छठ पूजा की वजह से लोग नहीं आए हैं, तभी काम हो रहा है और ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल तो बोला है, वो बोले हैं कि 2 साल लगेगा, मतलब अभी 21 चल रहा है, तो अब तो 21 चल रहा तो क्या हो गया, अब तो 22 आ गया ना, अब ज़्यादा दिन टाइम नहीं है, क्योंकि अभी तो नवंबर चल रहा है, नवंबर के बाद दिसंबर आ जाएगा। ये देखिए अभी यहाँ तक काम हुआ है, मतलब 2 साल और लगेगा। नवादा में बहुत ही ज़्यादा ही बदलाव हो रहा है, ये देखिए आप लोग। इधर से सीढ़िए आप चढ़िए, देखता हूँ ऊपर का कहाँ तक काम हुआ है नहीं हुआ है। अभी लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, बोले तो नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, ये देखिए अभी लोग दिख नहीं रहे हैं। चलिए ऊपर मैं जाता हूँ, और इधर से पुराना रेलवे स्टेशन इधर चला गया है जो कि गया, इधर गया चला गया है और इधर चला गया है क्यूल। तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, पिछला वीडियो में ये सब नहीं था बना हुआ जितना भी आपको दिख रहा है, काम लगातार जोरों शोरों से हो रहा है। तो मैं आ गया हूँ ऊपर, आदमी लोग नहीं दिख रहे हैं, मतलब रूम वगैरह कहीं हो गए यहाँ पर, तो नाश्ता करने के लिए सब लोग गए हैं। तो अभी काम वगैरह हो ही रहा है जोरों शोरों से, और उधर चला गया है 3 नंबर बस स्टैंड जो कि आपको जम्मू सिकंदरा सब उधर जा सकते हो आप लोग,
और ये है सबसे ऊपर का, जो कि मैं अभी बताया था कि वो चाचा बोले कि ऊपर मीनार बनेगा, बोला यहाँ पे ढलाई नहीं हुआ, मीनार बनेगा। तो वाकई में ही मीनार बनेगा, देखिए आप लोग, मीनार बोले तो गुम्बद वगैरह जो होता है ना, जैसे तिलैया का गोल ऐसा होता है ना, वही। तो ये देखिए बनकर रेडी हो गया है एकदम, लोग नीचे वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पर आ गया हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखने ऊपर आया था कि काम करने वाले लोग हैं, सुना तो नीचे चाचा जान मिल जाते, तो उनसे मैं पूछा, मतलब दुर्गा पूजा वगैरह से भी काम यहाँ पे नहीं रुका था, मैं सोचा कि रुका हुआ है। तो अभी लोग नाश्ता वगैरह करने के लिए गए हैं, बहुत ही जल्द एकदम रेडी हो रहा है, इसलिए काम नहीं हो रहा है, एकदम जोरों से उसका काम हो रहा है। जब पिछला वीडियो आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूंगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा कि मैं पिछले वीडियो अगर बनाया था मैं तो ज़्यादा काम नहीं हुआ था, वहाँ पर जो वो नंबर है ना वहाँ पर वो सब नहीं बना हुआ था, ढलाई वगैरह नहीं हुआ था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों लोगों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि लोग को पता चले कि नवादा में क्या बदलाव हो रहा है। अगर हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।